हम कांग्रेस को हराने जा रहे हैं, हम कांग्रेस को हराने जा रहे हैं, हम कांग्रेस को हराने जा रहे हैं। दोस्तों 2024 का इलेक्शन चल रहा है और राहुल बाबा के कैंपेनिंग भी बड़े जोरों से चल रहा है, तो मैं भी कैंपेन देखने चला गया। तो क्या हुआ, वो तो पहुंचते ही आपने देख ही दिया है। उसके बाद राहुल बाबा की जब रैली में पहुंच गया, तो रैली में राहुल बाबा ने क्या ज्ञान दिया वो चलिए सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज़ है, आपके काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह उठते हो चाय गर्म करने के लिए स्टोव में कोयला जलाते हो। राहुल बाबा स्टोव में कोयला क्यों डलवा रहे हो भैया, स्टोव में कोयला कहाँ से डलेगा यार। राहुल बाबा ने पहले तो ये ज्ञान दिया भाई कि सुबह सुबह उठ के आप चाय पीते हो, चलिए उसके बाद क्या रहा, उसके बाद शुरुआत होती है भाई, अब तपस्या कौन करता है, ये सुन लीजिए राहुल बाबा के जुबानी। यस मैं आपको बताता हूँ क्या हिंदुस्तान में तपस्या कौन करता है। अच्छा पढ़ाई ओ नाई माली इलेक्ट्रिशियन छोटे दुकानदार मजदूर ये सब तपस्या करते हैं, रोज करते हैं, जिंदगी भर करते हैं, और तपस्या करते 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 मर जाते हैं, और तपस्या करते 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 मर जाते हैं। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं भाई, तपस्या कौन करता है। चलिए राहुल बाबा की तपस्या होने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद दोस्तों ये देखिए, अब चूंकि भाई राहुल बाबा को सुनना है तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, इंग्लिश कैसे सीखे ये बताया राहुल बाबा ने, ध्यान दीजिए। राजस्थान के हर बच्चे को इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अच्छा हर बच्चे को लगना चाहिए कि मैं हिंदी सीख सकता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो, मैं अपनी मातृभाषा सीख सकता हूँ, मगर मैं तुम पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया के साथ बातचीत कर सकता हूँ, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो अमेरिका में जाके मैं हिंदुस्तान का झंडा उठाऊंगा। अरे भाई राहुल बाबा अमेरिका ही पहुंचा दी, चलो ठीक है भाई। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद चलते हैं, उसके बाद अगला क्या लेते हैं भाई, चाइना के बारे में भी कुछ कहा उन्होंने, सुनिए चाइना के बारे में क्या कह दिया। जब आप सेल्फी लेते हो यस, हर बार जब आप बटन दबाते हो चीन के किसी युवा को रोजगार मिलता है। यस हम फोटो लेते हैं चीन के युवाओं को फायदा होता है। अरे यार भाई ये कौन सा ज्ञान दे दिया। चलो चाइना के बाद अब अगला नंबर क्या आएगा भाई, चलो अगला नंबर अब ये आदिवासियों के बारे में क्या बोले जरा ये भी सुन लीजिए। आज मैं अभी सड़क पे था यस, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा भूखा आदिवासी 200 किलो कोयला लेकर के साइकिल में पैदल चल रहे थे 50 किलोमीटर भाई राहुल बाबा। चलिए अच्छा उसके बावजूद चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या देंगे राहुल बाबा ने ये बताया, ये ध्यान से सुनिएगा। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1,00,000 रुपया 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। सही वेरी गुड, काम की बात बोला भाई। और एक झटके से नो 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 हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। यस राहुल बाबा ने गरीबी रेखा से निकालने का प्लान कर लिया भाई। चलिए उसके बाद क्या होता है, अरे अब राहुल बाबा ने हाथ ऊपर करवाया भाई, क्यों ऊपर करवाया सुन लो। हाँ जीएसटी से
छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहाँ पे। नहीं नहीं, हाथ पीछे करो। अरे यार, सबने हाथ उठा दिया यार। राहुल बाबा जी ने धो दिया, बहुत गलत किया लोगों ने भाई। चलिए अच्छा, उसके बाद अब ये चलते हैं, क्या आपने कुछ देखा बताना आपने? राम मंदिर की बात होती है, ठीक है, 24 घंटा राम मंदिर की बात होती है, ठीक है, समरिया। वहां पे आपने किसान को देखा? नहीं। आदिवासी राष्ट्रपति को देखा? नहीं। दलित को देखा? नहीं। अंबानी को देखा? नहीं। अदानी को देखा? नहीं। अमिताभ बच्चन को देखा? नहीं। शाहरुख खान को देखा? नहीं। ये 30% को देश को चलाते हैं। ये भाई राहुल बाबा को समझना बड़ा टेढ़ा काम है भाई, बड़ा टिपिकल। मुझे लगता है यदि वो खुद दोबारा सुनेंगे तो उनको खुद समझ में ना आएगा कि यार उन्होंने क्या बोला। चलो खैर, अब राहुल बाबा के उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं यार, अब यहाँ पे आइए, अब राहुल बाबा के कुछ एक्टिविटी के बारे में भी जान लेते हैं, क्या करने वाले हैं। आप यदि उनको हाथ में देंगे तो हाँ सुन लो, आपने मेरे हाथ में दे दिया तो पहले मैं एक्सरे कराऊंगा, उसके बाद में एमआरआई कराऊंगा। मतलब पूरी निचोड़ निकाल दूंगा किसके पास क्या है, और उसके बाद सच्ची भागीदारी शुरू हो जाएगी, काम तब जाके शुरू होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? बड़ा मुश्किल काम है यार, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मैं पीछा नहीं छोड़ा, मैं लगा रहा पूरा, मैं ध्यान से सुन रहा था। आप लोग भी उम्मीद करता हूँ ध्यान से ही सुन रहे होंगे, और पूरा सुनिएगा दोस्तों, प्लीज जाइएगा मत, पूरा सुन के जाइएगा, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। और उसके बाद क्या होने वाला था? उसके बाद भाई सोनिया जी परेशान हो गई राहुल बाबा के भाषण से सुन सुन के, तो उन्होंने क्या शिकायत किया, आप जरा ये ध्यान से सुन लीजिए। मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फ़र्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूँ। धन्यवाद। ये पबजी वाला है क्या? ये तो अल्टीमेट है यार। चलिए अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसके बाद का हाल दोस्त क्या नहीं अच्छा रहा होगा ये सुन लीजिए। अच्छा ये बताइए कि कहना है पंजा का बड़ा लहर सा कहाँ? अरे पंजा तो सिर्फ खुजाने के काम आता भैया। हाँ, लहर मेहर छोड़ दो। हाँ, खुजाने के काम आता है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, क्या हुआ? जो कि आदमी का गाना तो चोरों समझने चाहता, लेकिन आते आते दोस्तों ये दुर्दशा हो गई यार हमारी, तो दोस्तों ये हमारी बड़ी खतरनाक रहती रही है, लेकिन गाने में राहुल गाना को याद बड़ी चीज आ रही है, तो भी आपको भी याद पसंद आएगा, लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बहुत नोटिफिकेशन जरूर आपसे अभी मिला, क्योंकि इस तरह के मजेदार वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं।